तो ये दोस्तों मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन आया, आईफोन का है। ये आईफोन का हमारा 6S मॉडल है और इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि ऊपर का इसका ग्लास डैमेज। तो हम आपको ग्लास को चेंज करना सिखाएंगे, ग्लास को कैसे चेंज किया जाता है। और ये इसका एप्पल का मोबाइल फ़ोन का ग्लास आता है। कितने रुपये ग्लास आया है? 150 रुपये का, 150 रुपये ग्लास आया है। विथ फ्रेम से एक ग्लास आता है। और इसमें देखिए पासवर्ड क्या है इसका? 4 5 5 6 5। ये पासवर्ड है। ये हमारा पूरा आईफोन चल रहा है। इस आईफोन का प्रॉब्लम ये है कि ऊपर से ग्लास टूटा हुआ है, अच्छा नहीं लग रहा है। क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। और पूरा हम आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कैसे चेंज करेंगे, कैसे पैक करेंगे, कैसे फिटिंग करेंगे, ताकि कोई भी मॉडल आता है तो आप आईफोन के ग्लास को आसानी से चेंज कर सकते हैं। बहुत ऐसे लोग सीखते हैं, स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हमने सैमसंग का ग्लास चेंज किया, ओप्पो वीवो का चेंज किया, अभी आईफोन तो कोई चेंज ही नहीं किया। तो हम उनको कहते हैं कि जैसे आप सैमसंग ओप्पो वीवो चेंज कर रहे हो उसी तरीके से ये भी चेंज होता है। ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, बस खाली एप्पल नाम से बड़ा हवा बना हुआ है। इसकी भी रिपेयरिंग बहुत आसान है कि मुझे लगता है कि बाकी फोनों के अच्छा आप इसको सरल तरीके से। हम लोग क्या करेंगे, इस मोबाइल फोन को पूरा खोलेंगे, खोलने के बाद इसको रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने पूरा स्क्रू खोलना है। इसके बाद बैटरी को डिस्कनेक्ट करना है। बैटरी डिस्कनेक्ट करने के बाद आपको मदरबोर्ड को बाहर निकालना है। इसका मदर इसका बैटरी भी खराब है, इसका बैटरी भी हम लोग चेंज करेंगे, नया बैटरी भी डालेंगे। ये हमने खोल दिया। खोलने के बाद इसको फ्रेम से पहले हम लोग बाहर से निकाल लेंगे, पूरे मोबाइल फोन को खोल लेंगे। आज मैं आपको इस वीडियो में पूरा एप्पल के मोबाइल फोन को कैसे रिपेयर किया जाता है, उसको ग्लास कैसे चेंज किया जाता है, वो सब चीज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ये नीचे का फिंगर दिया हुआ है, फिंगर पत्ता है, इसको हम लोग ओपन करेंगे। साइड में ऐसे स्क्रू लगे होते हैं, इसको फ्रेम खुलेगा। कभी आप टूटे हुए ग्लास को जब चेंज करेंगे तो इस बात का सावधानी बरतेंगे कि आप आसानी से काम करेंगे। दूसरी चीज़ क्या है कि ग्लास चेंज होने पर आप कस्टमर को ये जरूर बता देंगे कि भाई इसमें ग्लास चेंज करने में 1% का पूरा काम्बो का रिस्क होता है। अगर आप ऐसा नहीं कहते हैं तो कल को अगर कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तो आपसे ब्लेम करते हैं। थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रखेंगे इस बात के लिए आप पहले ही बोल देंगे। अब हम क्या करेंगे, पीछे का ये फ्रेम हमारा खुल जाएगा ऐसे। फ्रेम खुलने के बाद ये पूरा LCD है, पत्ता है, सब कुछ इसके साथ में टोटली दिया हुआ है। आप ट्वीजर के सहारे से आप इसे क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे। ये हम लोग फिंगर को ओपन कर लिया है। फिंगर ओपन होने के बाद फिंगर का पत्ता इसको भी खोल दिया। ये जो पत्ता लगा हुआ था इसको भी आप आसानी से ऐसे ओपन कर देंगे।
ऐसे ये पूरा पत्ता खुल जाएगा। इसके नीचे माई का भी पत्ता लगा हुआ है, आप उसे भी ओपन करेंगे। ये आपका पूरा पत्ता खोल करके बाहर आ जाएगा। अब ये आपका दो पत्ता बचा हुआ, एक इसमें एलसीडी का पत्ता है, एक इसमें टच का पत्ता है। इसको आप ऐसे खोल लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से कटिंग करेंगे। इसमें कटिंग करने समय दोस्तों आपको इस बात का ध्यान लेना है, ये साइड की जो मिडिल होती है इसको थोड़ा सा आपको ऐसे ब्रेक करना होता है, ऐसे ऐसे ये। इसके लिए आप हैवी क्वालिटी का कटर भी यूज कर सकते हैं। हम लोग इसको ब्रेक कर देंगे। ये ब्रेक करने के बाद ही हमारा वायर चलेगा और हम लोग इसकी कटिंग कर सकते हैं। इसको करने से पहले हम थोड़ा सा इसको हीट कर लेंगे, ताकि हमारा हीट हो जाएगा तो हमको ब्रेक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसे गरम होने के बाद हम लोग इसको कटिंग वायर के सहायता से इसको सिंपली जैसे कटिंग करते हैं वैसे इसकी कटिंग कर देंगे। गरम हो जाएगा तो उसके बाद कटिंग वायर को इसमें हल्का सा टच करेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। हम लोग इसकी कटिंग कर रहे हैं। हमारे डिस्प्ले बाहर आ जाए। इस तरीके से मैंने इसको आसानी से कटिंग कर लिया। और आपको इस बात का देखो दोस्तों बहुत ध्यान रखना है, बाकी से अपेक्षा आईफोन का बहुत अच्छा आसानी से ग्लास कट जाता है। बस ये ध्यान रखना है कि साइड की जो क्रोम होती है वो तोड़ लेनी है जी। और कितना तोड़ लेना है, जहाँ तक एलसीडी है वहाँ तक तोड़ लेना है और उसके बाद कटिंग कर देना है। ये पूरा ग्लास फ्रेम से क्या हो जाएगा, निकल के बाहर हो जाएगा। अब हम लोग ने इसका कटिंग कर दिया। कटिंग करने के बाद अब इसको क्या करेंगे, साफ करेंगे। क्या करेंगे, साफ करेंगे। आज हम दोस्तों आईफोन जो 6S आता है उसमें ग्लास कैसे चेंज करने वाले हैं, उसका क्या तरीका होता है, ये हम लोग सीख रहे हैं। यहाँ पर आप ताका नहीं लगाएंगे, बिल्कुल स्लोली स्लोली आराम से प्रेस करेंगे, धीरे धीरे करके पूरा साफ हो जाएगा ये।
क्लीनर की सहायता से बिल्कुल क्लीन करेंगे। क्लीनर से इसको अच्छे से जब साफ हो जाएगा तो साफ होने के बाद फिर हम आपको LCD चेक करके भी दिखाते हैं कि हमारी सफाई सुथरा है एकदम तरह। ग्लास चेंज करने में जैसा मैंने आपको बताया कि 2-3% का रिस्क भी होता है कि काम बुक ख़राब भी हो जाता है, तो आप ये बात कस्टमर को ज़रूर बोल के चलेंगे। हम लोग क्या करेंगे, अब इसका रिजल्ट देखेंगे कि हमारा क्या पोजीशन है। उससे पहले आपको बैटरी लगा लेना है फोन के अंदर। बैटरी लगाने के बाद अब LCD टच का जो पत्ता होता है वो हमारा इसमें हमको अटैच करना पड़ेगा, तभी हम प्रॉपर तरीके से चेक कर पाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग बैटरी लगाएंगे। बैटरी लगाने के बाद हम हैंडसेट को क्या करेंगे, ऑन करेंगे। ये देखिए हमारा प्रॉपर कट चुका है, अच्छे तरीके से सफाई से हमने इसको ग्लास को हटा दिया है। अब हम लोग इसमें ये जो नया ग्लास है, इस नया ग्लास को हम लोग लगाएंगे भी। ठीक, आईफोन के मोबाइल फोन में ग्लास चेंज करने का जो मिनिमम चार्ज होता है वो सबसे थर्ड क्वालिटी के चार्ज होता है, वो 500 से लेकर 600 रुपए तक का है, ये मार्केट का चार्ज है। वैसे अगर आप कहीं और जाते हैं तो कम से कम आप इसका 1000-1200 रुपए ग्लास चेंज करने का पैसा लिया जाता है, जबकि ग्लास आता कितने का है, 100 से 150 रुपए तक का ग्लास आता है। ये देखिए पासवर्ड क्या है इसका, 456654। ये देखिए पूरा चल रहा है, आप इधर 5 में दिखाइए, देखिए पूरा चल रहा है ग्लास, हमने इसको सफाई से चेंज कर लिया हुआ है। ये डायलिंग पैड खुल गया, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें ग्लास पंच करेंगे, कैसे ग्लास पंच करेंगे उसके बारे में भी आगे सीखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको पावर ऑफ कर लेंगे, बंद कर लिया। बंद करने के बाद बैटरी को डिस्कनेक्ट करेंगे, जब तक बैटरी नहीं डिस्कनेक्ट करके बाहर निकाल लेंगे तब तक आप LCD को डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे इस मोबाइल फोन के अंदर सप्लाई चल रही होती है, शॉर्ट होने का डर होता है, हमने इसको अलग कर लिया। अब देखिए बाकी की अपेक्षा इसमें ग्लास चेंज करना भी बहुत आसान है, क्यों, क्योंकि उसमें फ्रेम में सेट करना होता है, ये पूरा खुद ही फ्रेम बना हुआ है, ये खुद ही फ्रेम बना हुआ है, बस आपको इसका सीधे उल्टे का थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्यों, क्योंकि ये हमारा पत्ता ऊपर की तरफ रखता है, तो हम लोग जो इसको लगाएंगे वो कैसे लगाएंगे, बिल्कुल ऐसे लगाएंगे, ऐसे हम लोग फ्रेम में इसको रख देंगे, ये ऑटोमेटिक फ्रेम में हमारा बैठ जाएगा, क्योंकि फ्रेम में खुद ही बना हुआ है, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको तो कुछ नहीं छेड़ने वाले, इसको पहले हम अच्छे से क्लीन करेंगे। अगर आप अच्छे से क्लीन नहीं करेंगे तो इसमें बबल है, स्पॉट है, तार है, भपड़े हैं, ऐसा कुछ रह जाएगा, उसके लिए आप इसको अच्छे से क्लीन करेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे।
कपड़ा बिल्कुल नया दीजिए, आपको फैलगॉन दीजिए कर लेंगे। जितना हम लोग अच्छे से साफ कर लेंगे उतना हमारे लिए बेहतर रहेगा।